आज क्या है? हम लेट व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आज क्या है? आज आया, आज है बर्थडे दादा का। हाँ, बताया बर्थडे। तो हम लोग ने व्लॉगिंग तो लेट में स्टार्ट कर रहे हैं, बर्थडे बर्थडे मम्मी। मम्मी तैयार हो रही है और हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? उधर गधी। हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। कहाँ? पता नहीं हमको भी। मम्मी ने सरप्राइज है घर के बाहर। तो अभी आपसे कहाँ तो जाके मिलते। चले बाय बाय दोस्तों। दोस्तों वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्वादन शहर शॉर्ट। तो आप लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग ये तैयार हो गए थे। हमारी फ्रेंड एक्चुअली आई हुई थी, इनके दो दो बर्थडे हो चुके थे, इनको दावत नहीं मिली थी तो इसलिए वो आई हुई थी। तो होली का भी टाइम था और दावत इसलिए नहीं करी क्योंकि बाबू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रही इधर, तो इनको कहीं नहीं ले जा पाए। तो आई हुई थी तो उसने कहा चलो अच्छा हम बच्चों को खाना खिला के लाते, इसलिए कितना खुश होके ये सब खाना खाने गए थे। ये मेरी देखो धाचू एंट्री, ये इनकी एंट्री है। और हम उसको सोशल मीडिया पे नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि अभी ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, कभी मिलेगा मौका तो दिखा देंगे। तो हम लोग यहाँ रेस्टोरेंट आए हुए थे, दोपहर का समय था। ये मम्मी की धाचू एंट्री। उसके बाद हम आए थे और उसको हम दोनों थे और बच्चे थे दोनों और मेरी फ्रेंड थी, ज्यादा लोग नहीं थे। बस हम लोग क्योंकि वो आई हुई थी, उनको फिर शाम को जाना भी था तो बोले जो फटाफट चलो तैयार हो और खाना खा के आते। ये तो यहाँ पे इनके ही फेवरेट सब्जी आलू पनीर और नान है ना। नान नहीं बननी थी, नहीं तवा रोटी खाई थी। और खांसी आ गई। और इनकी फेवरेट थोड़ी सी दाल दाल और दाल। कौन सी फ्रेंड है मौसी? नाम की फ्रेंड को कहते मौसी फ्रेंड है ना मेरी। मेरी जो फ्रेंड है तो हमारी मौसी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोपहर में गए हुए थे तो हमने जाना था वापस, तो हम लोगों ने खाना खा लिया फटाफट। फिर ये अगले दिन का है, 17 फ्राइडे। यहाँ पे हम पूजा कर रहे थे। अगले क्या एक दो दिन बाद का ही है, मान लो ज्यादा ब्लॉगिंग से नहीं हो पा रही है क्योंकि बाबू की तबीयत बहुत खराब है। हम सुबह शाम बहुत व्यस्त रहते हैं, इसको बहुत वोमिटी होती है, बहुत खांसी आ रही है, डबल निमोनिया हो रखा है, इसलिए हम होली पूरा ऐसे निकल गए। क्या करने दर्शन करने और प्रसाद चढ़ाने। हाँ, मम्मी के साथ आई थे। हाँ, बाबू ने ये बता दिया। ओके चलते चलते। हम लोग मंदिर गए होते क्योंकि शीतलाष्टमी हो गई है और हम जा नहीं पाए थे क्योंकि इनकी तबीयत बहुत खराब है, अभी भी खराब है, लेकिन मंदिर गए थे, प्रसाद चढ़ाना था हमको। तो ये वाकई बिहारी का मंदिर है, बाबू ने जिद किया, इसमें जिद्दी बहुत हो गई है। स्पेशल लोग लोग चिल्ला रहे थे यही है। हाँ यही स्पेशल था कि इनकी मौसी ने इनको पार्टी दी। तो यहाँ पे ये हम ले रहे थे इत्र और कुछ हेयर प्रोडक्ट वगैरह ले रहे थे। तो यहाँ पे हम रुक गए थे 2 मिनट के लिए मंदिर से, फिर अब चलते हैं मेन मंदिर जहाँ हमें जाना था, शीतला मंदिर। ये यहाँ पे गुरुद्वारा बना हुआ है, बहुत अच्छा सा है, बहुत मतलब अच्छा लगता है। और ये मंदिर है, वैसे तो यहाँ थोड़ा ज्यादा भीड़ नहीं होती है, सन्नाटा ही रहता है, बट आज कोई कार्यक्रम नहीं था। आज यहाँ पे वो होता है शाम के वक्त, सब महिलाएं एक साथ एकत्रित होती हैं तो अपना मंडली बना रखी, तो यहाँ पे कीर्तन वगैरह कर रही थी, भजन कीर्तन हो रहे थे, इसलिए यहाँ की वाइज हमें बंद करनी पड़ी, भाई जो कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे शोर शराबा हो रहा था। मंदिर के अंदर हम लोग गए, प्रदर्शन किए और यहाँ पे सारी माताएं हैं, इतनी सारी हैं मैंने कभी काउंट नहीं किया, बट सारी देवियों का सारी देवियां हैं यहाँ पे। तो हम लोग अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट करिएगा
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक को भी फॉलो करें, ऑटो पे भी फॉलो करें, मगर हमें रोड पे मत फॉलो करें, हर जगह फॉलो करें मगर रोड पे नहीं। और यहाँ देखिए कितनी सारी माताएं हैं, बहुत सारी माताएं हैं इनके जो है ये दिखा रहे थे। ऐसे कभी अच्छे से मतलब टाइम मिला तो अच्छे से बना के दिखाएंगे, बहुत अच्छा लगता है, मंदिर तो बहुत अच्छा है। हाँ तो बाबू भी हमारी यहाँ पे रुक गई थी पीछे कहीं प्रसाद ले रही उसका प्रसाद, वो यहाँ पे प्रसाद ले रही पापा के साथ, और हम लोग चले आए थे आगे। यहाँ पे शंकर जी का छोटा सा मतलब यहाँ स्पेस कम है, शंकर जी का मंदिर था, यहाँ पे दो तीन लोग थे, भीड़ थी तो मैं वेट कर रही थी, थोड़ा हटे तो हम दर्शन कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने फिर दर्शन किए, यहाँ हनुमान जी का भी मंदिर है, यहाँ पे मतलब कई सारे मंदिर, ये शहर के ज्यादातर माता देवी माता का। देखो यहाँ पे प्रसाद लेकर आई और खाने लगी, तुरंत खाने लगी, तब हमें छीन ली और खांसी आ रही थी, बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी, तभी हम उसको डांट रहे थे बेटा नहीं खाओ, बेटा नहीं खाओ। और यहाँ पर खजा पीने के बाद मम्मी के काम, कपड़े ब्रश करो क्योंकि बाबू सो गई थी आते ही, गाड़ी पर ही शायद सो गई थी, आते ही सो गई, तो हमने कहा लाओ चलो काम निपटा ले, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं क्योंकि इसकी तबीयत नहीं ठीक है, तो कुछ काम नहीं आगे बढ़ता, कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो ये हमने थोड़े कपड़े निपटाए थे, अभी टंगे हुए हैं कपड़े, नहीं कर पाए थे सारे, तो नहीं हो पाए थे क्योंकि खाना भी हमको बनाना था, रात भी काफी हो गई थी, उनकी फेवरेट चीज, और इन्होंने डिमांड भी ऐसी कर दी थी कि जो उस दिन हम पनीर खा के आए थे हमको वैसा ही पनीर खाना है, और वही नॉन खानी है, नॉन खा नहीं पाए थे, तो मैंने कहा नॉन नहीं बनवा तो हनुमान खाने नहीं मिली, तो हमने नॉन बनाई थी, और नॉन की रेसिपी चैनल पे जा चुकी है, मेरे चैनल पे भी पहुंच जाएगी, और चौमिन की रेसिपी वहाँ पहुंच गई होगी, तो उसे भी देख के लाइक शेयर कमेंट करिए उस पर। सब मतलब बोल जाता है बाबू भी हमारे। ये रात का खाना लग चुका था। ओके दोस्तों बाय। छोट गई।